बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अभी ब्रोकली मार्केट में जो है बहुत आई हुई है एंड बहुत सस्ती भी है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना बच्चों को इस बार ब्रोकली का कुछ स्नैक बना के खिलाएं। ये है तंदूरी ब्रोकली, बहुत ही मज़ेदार एंड सिंपल रेसिपी है। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। अभी ब्रोकली को जो है मैंने अच्छे से धो के वॉश कर लिया था। एक पैन में मैं ले रही हूँ पानी एंड इसमें ब्रोकली को ऐड करके थोड़ा सा नमक ऊपर से स्प्रिंकल कर दूंगी एंड इसको 20-40% तक बॉईल कर लूंगी, लाइक हाफ बॉईल कर लूंगी। इस पे मैं एक लिड को बंद कर रही हूँ। अभी ये हाफ बॉईल होके तैयार है, इसको जो है हम लोग पानी से अभी अलग कर लेंगे। अभी ब्रोकली को जो है पानी में से निकालने के बाद हम लोग इसको थोड़ी देर अच्छे से छन्नी में रख के इसका पानी जो है कम्प्लीटली ड्रेन आउट कर देंगे, तभी इसका मैरिनेशन जो है अच्छे से इस पे कोट हो पाएगा। अगर इसमें पानी रह जाएगा तो ठीक तरीके से मैरिनेशन जो है वो चिपक नहीं पाएगा। अभी यहाँ पे ब्रोकली को मैरिनेट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक बाउल में थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट को लिया हुआ है, इसी के साथ मैंने 2 चम्मच जितना दही डाला है। अब हम लोग डालेंगे थोड़ा सा पेपर पाउडर। जैसे कि मैं ये बच्चों के लिए बना रही हूँ, इसमें मैं कभी भी चिली पाउडर नहीं ऐड करती, इसलिए मैं यहाँ पे पेपर ऐड कर रही हूँ। साथ ही मैं थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसी के साथ ऐड करेंगे क्यूमिन पाउडर। अब ये स्पाइसेस की क्वांटिटी आप लोग अपने हिसाब से कम ज्यादा कर लीजिएगा। नमक स्वाद अनुसार, ऑलरेडी मैंने ब्रोकली में नमक ऐड किया है, यहाँ पे और थोड़ा ऐड कर रही हूँ। अब इसके ऊपर हम लोग ऐड करेंगे 2 चम्मच बेसन का आटा। बेसन के आटे के साथ यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्रीम ऐड कर रही हूँ। आपके पास क्रीम नहीं है तो थोड़ा सा मिल्क ऐड कर दीजिएगा एंड यहाँ पे 1 पिंच के करीब में कुटी हुई लाल मिर्च बहुत कम ऐड कर रही हूँ। आप लोग इसके बजाय ऑरेगानो या फिर मिक्स्ड हर्ब कुछ भी ऐड कर सकते हो। देन यहाँ पे 3 से 4 खतरे पानी के मैंने डाले हुए हैं, उससे ज्यादा नहीं क्योंकि ऑलरेडी इसमें दही एंड क्रीम है। अब इन सब मिक्सचर को, इन सब मसालों को जो है हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप लोग पानी को स्किप कर सकते हो, मैंने बस आटे को जो है अच्छे से मिक्स करने के लिए पानी को डाला है। अब इस तरीके से बॉईल किए हुए ब्रोकली को जो है हम लोग धीरे धीरे ऐड करके अच्छे से इस मिक्सचर के साथ कोट कर लेंगे। अभी यहाँ पे एक पैन में मैं ऐड कर रही हूँ घी। आप लोग बटर भी ले सकते हो, क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ मैं आइदर घी, बटर या फिर ऑलिव ऑयल ही इस्तेमाल करती हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा घी मैंने लिया हुआ है। जैसे ही घी गर्म हुआ मैं यहाँ पे एक एक करके ब्रोकली को ऐड कर दूंगी। अभी इस तरीके से ब्रोकली को ऐड करने के बाद लो फ्लेम में आप पलटा कर दोनों तरफ आप इसको रोस्ट कर लें। ब्रोकली को याद रखिए लो फ्लेम में ही पकाइएगा, क्योंकि हम लोगों ने इसमें बेसन का आटा एंड थोड़ा सा क्रीम लगाया हुआ है। अगर आप फ्लेम हाई रखोगे तो ये जो है जल जाएगा। हम लोगों को बस एक क्रिस्पी लेयर इसके ऊपर आने तक इसको पकाना है, इसको जलाना नहीं है। इस तरीके से मैं यहाँ पे पलटा रही हूँ, आप लोग देख सकते हो कितना बढ़िया इस पे कलर आया हुआ है। बस ये जब इतना पक जाए इसको निकाल लें एंड इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा क्रीम इस तरीके से एक कटोरी में डालकर ऊपर डाला हुआ है एंड इसी के ऊपर मैं 1 पिंच चाट मसाला भी ऐड कर रही हूँ। बस इसको चाय के साथ एंजॉय कीजिएगा एंड मुझे कमेंट में बताइए कि आप लोगों की रेसिपी कैसे लगी। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, बच्चों को बहुत पसंद आएगी एंड बड़ों को भी पसंद आएगी। डू ट्राई दिस रेसिपी एंड लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।